हमारे देश को बांटने की जरूरत नहीं है। एक बार हो चुका है और दूसरी बार हम तो नहीं होने देंगे। हम नहीं चाहते कि हमारा वतन बटे। यही बात उनको समझ नहीं आ रही है, जो समझाने के लिए यहाँ हजारों लोग खड़े हैं। नहीं, वो अपने आप को इतना अकलमंद मानते हैं, इतना ज्यादा वो समझदार मानते हैं, तभी मुझे लगता है देश की जनता ने उनको चुना। बेवकूफ हमेशा अपने आप को हमेशा ही बहुत ज्यादा समझदार समझते हैं ना, उनको लगता है वो सबसे ज्यादा समझदार हैं, पर ऐसा है नहीं। उनको समझना पड़ेगा कि जिन्होंने गलती करके उनको वहाँ बैठाया है ना, वो लोग उनको वहाँ से नीचे उतार भी सकते हैं। तो क्या मैसेज आप देना चाहेंगे सीएबी और एनआरसी? हाँ, सीए मतलब यही है, आप विड्रॉ करिए, इसको विड्रॉ करना ही पड़ेगा, नहीं बटेगा ये देश आपके कन्वीनियंस पे। और आपको इस्लामोफोबिया है, मतलब ये नहीं कि पूरे हिंदुस्तान को इस्लामोफोबिया है। अच्छा, एनआरसी और सीएबी के दूरगामी दुष्परिणाम आपको क्या नजर आते हैं? उसमें यही है ना, आप देखिए साफ साफ है ना, मुस्लिम्स को आपने उसमें हटा ही दिया है ना। तो अगर मुसलमान के पास कागजात नहीं होंगे, और ये मुसलमान की भी बात नहीं है, ये सारे बैकवर्ड क्लास मार्जिनलाइज सेक्शंस की बात है। कौन रखता है पेपर, कहाँ से लाएगा कोई? आपके पास है अपने दादा के पेपर? मेरे पास नहीं है भाई, मेरे पास मेरी वोटर आईडी की स्पेलिंग गलत है। तो हमें फिर हम तो देंगे नहीं, बॉयकॉट है। बाप की हिम्मत है तो सबमिट करा ले हमसे पेपर, बॉयकॉट है, नहीं सबमिट करेंगे पेपर। Gracias.
लोग यहाँ 70 साल से रह रहे हैं।